हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राइट इन्फॉर्मर चैनल में। और आज का वीडियो भी मैंने लिया है पूछे गए एक सवाल से। सवाल पूछा गया है कि उनका मोबाइल का स्क्रीन जंप करता है, तो मोबाइल का स्क्रीन अगर आपका जंप कर रहा है तो उसका क्या कारण होता है और उसको कैसे ठीक करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो आप पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मोबाइल का जो स्क्रीन होता है अगर वो जंप करता है तो क्यों जंप करता है और उसको आप कैसे ठीक करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो देखिए, कोई भी अगर मोबाइल है आपके पास, ये मैं आपको वीवो के ऊपर बता रहा हूँ, आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फोन होगा तो आपको जो मैं स्टेप बताऊंगा वही करना है आपको। तो देखिए, कोई भी मोबाइल का अगर स्क्रीन जंप करता है, जंपिंग कैसे होता है आपको पता होगा, यहाँ पे कुछ चलते रहेगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा, मतलब स्क्रीन हमेशा झिलमिलाते रहेगा, जंप करते रहेगा, आपको ऊपर नीचे ऐसे दिखाई देगा, कहीं पे फिक्स पोजीशन नहीं दिखेगा। तो इस तरह से जंपिंग होती है। अब ये जंपिंग क्यों होती है, इसका तीन कारण है। पहला ये कारण है कि कभी भी जंप होता है तो इसके अंदर आपके हार्डवेयर का कुछ फॉल्टी हो सकता है, स्क्रीन के ऊपर कोई प्रॉब्लम आया होगा तभी ये जंप कर रहा है, नहीं तो जंप नहीं करता। दूसरा जो मेन कॉज होता है वो सॉफ्टवेयर ग्लिचेस के चलते होता है, यानी कि इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर में एरर आ गया है। जैसे कि बहुत सारे लोग फोन को नया अपडेट आता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो उसको अपडेट कर देते हैं बगैर समझे बुझे, और उसके बाद से उनके फोन के स्क्रीन के ऊपर ये जंपिंग शुरू हो जाता है। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर के चलते होता है। और तीसरा मेन कारण है कि कभी कभी एक सॉफ्टवेयर का आपके किसी पार्टिकुलर ऐप के चलते भी प्रॉब्लम आ जाता है, वो क्रैश करता है, जिसके चलते आपके फोन के ऊपर प्रॉब्लम आता है। तो तीनों ही प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, आपका कौन सा प्रॉब्लम से ठीक होगा, इसलिए आपको तीनों प्रोसेस को देखना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए, सबसे पहला मैं आपको स्टेप बताता हूं कि आपको फिजिकली इसको चेक करना है कि कोई फिजिकल डैमेज तो नहीं हुआ है आपके स्क्रीन के ऊपर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल को ऐसे करना है और यहाँ पे इस तरह से करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ वन कॉर्नर से पकड़ना है और कॉर्नर से पकड़ के पूरे लास्ट वाले कॉर्नर तक खींचना है। देखिए किस तरह से स्क्रीन खींच के पूरी चली आ रही है। अगर इस तरह से आपका स्क्रीन पूरा खींचता है तो इसका मतलब है कि आपके स्क्रीन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं वापस से आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ, ये कॉर्नर से पकड़ना है और यहाँ से पूरा ऐसे खींचते हुए नीचे तक लास्ट कॉर्नर तक लेके आना है। अगर इस तरह से पूरी स्क्रीन आपकी खींच रही है तो स्क्रीन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकल डैमेज कुछ भी नहीं है। अगर इससे आपको यहाँ पे कोई भी स्क्रीन के ऊपर प्रॉब्लम होगा, अगर कहीं पे स्क्रैच हुआ होगा या डैमेज हुआ होगा, तो आपकी इस तरह से जैसे स्क्रीन खींच रही है नहीं खींचेगी, आपकी स्क्रीन यहीं तक खींचेगी और आप खींचते रहेंगे लेकिन आपकी स्क्रीन नीचे तक आएगी नहीं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो स्क्रीन के अंदर प्रॉब्लम आया है, इसीलिए आपका स्क्रीन जंप कर रहा है। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है, फिजिकल डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है। ये चेक कर लिया, अगर आपको फिजिकल डैमेज नहीं है तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप, अगर ठीक नहीं होता है तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर के चलते एरर आता है। तो अब जो सॉफ्टवेयर है, मैं आपको बार बार बहुत सारी वीडियो में बता चुके हैं कि भाई आपके फोन के ऊपर अगर कोई भी सॉफ्टवेयर नया अपडेट आता है वो कहाँ पे आता है, आपके यहाँ सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सिस्टम अपडेट का, तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर कोई भी नया वर्जन सॉफ्टवेयर का आता है तो दिखाई देता है आपको यहाँ पे, और फिर आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करते हैं। तो भाई अगर आपका फोन 2 साल से ज्यादा पुराना है तो कृपया आप अपने फोन को अपडेट मत कीजिए, इसलिए कि वहां पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में मिसमैच होने लगता है। ज्यादा पुराने फोन के साथ अगर कंपनी नया सॉफ्टवेयर रिलीज करती है और आप अपडेट करेंगे तो वो मैचिंग नहीं होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। सॉफ्टवेयर नया है, हार्डवेयर आपका पुराना है, तो मैच नहीं करेगा और जिसके चलते आपके फोन के ऊपर तरह तरह का प्रॉब्लम
इसी तरह का जंपिंग का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, कभी ये स्टार्ट होगा, एबनॉर्मल हो जाएगा आपका फोन। कब अपडेट करना है सॉफ्टवेयर को, अगर आपका फोन लेटेस्ट नया है, एक साल डेढ़ साल पुराना है और अगर कोई नया अपडेट आता है तभी आप अपने फोन के नए सॉफ्टवेयर से अपडेट कीजिए, अगर दो साल से पुराना है तो मत कीजिए। अगर आपने कर लिया है और इस तरह से स्क्रीन पे आना प्रॉब्लम शुरू हुआ है तो आप रोल बैक कर दीजिए, यानी कि पिछले वाला जो भी आपका वर्जन था सॉफ्टवेयर का उस वर्जन पे कीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। अब तीसरा मैंने आपको बताया किसी पार्टिकुलर ऐप के चलते प्रॉब्लम आएगा, तो ये पार्टिकुलर ऐप बहुत तरह तरह के आप लोग ऐप जब इंस्टॉल करते हैं तो आपके फोन के अंदर जो पहले से इंस्टॉल्ड ऐप होता है उस ऐप से ये कंपेटेबल नहीं होता है और क्रैश करता है, तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए आपको जाना होगा सेफ मोड के अंदर, अपने फोन के सेफ मोड के अंदर जाएंगे। अब किसी भी फोन के सेफ मोड के अंदर जाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ जो पावर वाली बटन है जैसे मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पावर वाली बटन को थोड़े देर तक प्रेस करेंगे अगर, तो देखिए इस तरह से आपके फोन के ऊपर रीस्टार्ट ऑफ का ऑप्शन आएगा, तो आपको क्या करना है पावर ऑफ के ऊपर थोड़े देर तक क्लिक कर देना है। देखिए क्लिक किया, अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया सेफ मोड में जाने के लिए, तो आपको यहाँ पे ओके वाले पे ओके कर देना है, आपका फोन यहाँ पे रीस्टार्ट होगा, नॉर्मल रीस्टार्ट होगा और सेफ मोड के अंदर जाएगा। ये आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे फोन आपका सेफ मोड के अंदर जाएगा और कोई भी डेटा यहां से आपका डिलीट नहीं होगा, ये आप मेक श्योर कीजिए। देखिए ये सेफ मोड के अंदर जाएगा और यहाँ पे कॉर्नर में साइड में लिख के आएगा सेफ मोड। तो अब ये सेफ मोड क्या होता है, सेफ मोड एक फोन का मोड होता है जिसमें कि बिल्कुल फोन सुरक्षित होता है, कोई भी आपने जो थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल किया है यहाँ पे चलेगा नहीं, काम नहीं करेगा, यहाँ पे अगर आइकन उसका दिखेगा भी फिर भी आप खोलेंगे तो नहीं चलेगा, इसमें वही ऐप मिलेगा, वही काम करेगा जो कंपनी ने इंस्टॉल करके आपको दिया था, बिल्कुल आपका फोन जब नया था जितना इसके अंदर ऐप था वो सारे ऐप यहाँ पे दिखाई देंगे, वो सारे ऐप काम करेंगे। तो इस तरह से वो सेफ मोड पूरी तरह से सेफ होता है और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके फोन के अंदर किसी थर्ड पार्टी ऐप के द्वारा आता है तो सेफ मोड में जा करके पता लग जाता है कि आपके फोन के अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो किसी थर्ड पार्टी ऐप के द्वारा आ रहा है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे ये ऑन हुआ है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये कॉर्नर में लिखा हुआ है सेफ मोड, तो इसी तरह से आपके फोन के अंदर यहाँ पे सेफ मोड लिखा रहेगा। तो इस तरह से अगर सेफ मोड के अंदर आने के बाद फिर स्क्रीन अगर आपका जंप नहीं करता है, बिल्कुल नॉर्मल चलता है, सही से चलता है, तो इसका मतलब है कि आपने जो रिसेंट ऐप को थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल्ड किया है उसको हटा दीजिए, डीइंस्टॉल्ड कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम यहीं से ठीक हो जाएगा। तो आपको सेफ मोड के अंदर आके ऐसे चेक करना है। अब सेफ मोड से कैसे बाहर निकलना है, फिर से यहाँ पे पावर वाली बटन को आप एक बार प्रेस कीजिए और प्रेस करने के बाद अब की बार आपको जो है अब यहाँ पे रीस्टार्ट कर देना है, यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो रीस्टार्ट का यहाँ पे आपको टैप करना है और बस आप यहाँ से सेफ मोड से निकल जाएंगे। अब आपका फोन फिर से रीस्टार्ट लेगा और ये स्टार्ट होकर नॉर्मल मोड के अंदर चला जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और आप भी अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका भी रिप्लाई करेंगे। अगर आपका प्रॉब्लम अच्छा हुआ तो उसके ऊपर भी हम वीडियो जरूर बना देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि अगर आपके फोन के अंदर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा तो हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल पे उसका सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।